देश की स्थितियों को बदलना चाहता है देश का युवा। एनसीसी कैडेट्स की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में शौर्य के साथ साथ देश की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलकियां। अरबूंद से अधिक फसल के मंत्र और सूक्ष्म सिंचाई पर काम जारी। गांधीनगर में आयोजित तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने पर खासा जोर। सुरक्षा के लिए एक दूसरे की संवेदनाओं को समझना जरूरी। 12वें दक्षिण एशिया सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आतंकवादियों के वैचारिक और वित्तीय तंत्र को खत्म करने पर जोर। कहा, एक देश को छोड़कर अन्य पड़ोसियों के साथ संवाद कायम कर रहा है भारत। यूरोपीय संसद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई आपत्ति। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर संप्रभुता के सम्मान की दी नसीहत। यूरोपीय संघ ने अपने सांसदों के कदम से बनाई दूरी। कहा, हमारा आधिकारिक रुख नहीं। कोरोना वायरस से पीड़ित चीन के वुहान शहर से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी। कैबिनेट सचिव ने की ताजा हालात की समीक्षा। चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को गंभीर खतरा।